हेलो एवरीवन। तो आज मैं जा रही हूँ एक पार्टी में और मुझे लग रहा है कि मुझे ना इयररिंग्स अपने चेंज करने चाहिए, बट आई एम रियली कंफ्यूज्ड कि कौन से वाले पहनूँ। ये भी अच्छे लग रहे हैं, ये भी अच्छे लग रहे हैं, ये वाले मेरे फेवरेट हैं और मेरा मन कर रहा है कि ये भी अच्छे लगेंगे। एंड बहुत कन्फ्यूजन है। मामा, आई नीड योर हेल्प। हाँ बेटा बोलो। एक्चुअली मामा, देयर आर थ्री कॉम्पिटिशन इन आर स्कूल। वन इज पोएट्री रेसिटेशन, सेकेंड इज डिबेट एंड थर्ड इज रोल प्ले कॉम्पिटिशन। सो आई एम कन्फ्यूज दैट इन विच कॉम्पिटिशन शुड आई टेक पार्ट। तीनों में ही ले लो। नो मामा, दैट्स ओनली द कन्फ्यूजन। वी कैन टेक पार्ट ओनली इन वन। ओके, बहुत कन्फ्यूजन है। लेट्स जस्ट कम टू द मेन पॉइंट। जब भी हम कुछ नया सीखते हैं तो एक कन्फ्यूजन होता है, क्या सीखें, कहाँ से सीखें, कितना सीखें। ओके, और आज की एज में तो हम सारे फटाफट से यूट्यूब के पास जाते हैं एंड यूट्यूब इज़ प्लेथरा ऑफ वीडियोस, क्योंकि यूट्यूब पे तो बहुत सारे वीडियोस हैं। और इससे और कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि अब कहाँ से क्या सीखें। ग्रामर सीखें तो ग्रामर में वर्ब देखते हैं, सेंटेंसेस देखते हैं, टेंसेस देखते हैं। अच्छा, अगर वोकैबुलरी अपडेट करनी है तो ऐसी वोकैबुलरी एडवांस ले, बेसिक ले, फैंसी वर्ड्स ऐड करें, क्या करें, बहुत सारा कन्फ्यूजन है। तो आप लोगों को क्या करना है, देखो जब भी कुछ नया सीखते हैं ना, तो पहले ये अपने आप से ये प्रश्न पूछो, जो आपके पास ज्ञान है क्या आप उसको यूज़ कर रहे हो। ओके, इफ़ यू आर लर्निंग न्यू वोकैबुलरी, इफ़ यू आर एडिंग एडवांस वोकैबुलरी, सो जस्ट आस्क अ क्वेश्चन कि क्या जो आपके पास पहले से वोकैबुलरी है, क्या आप लोग उस चीज़ को यूज़ कर रहे हो। मुझे नहीं लगता, क्योंकि हम लोगों ने उस वोकैबुलरी को कहीं सुलाया हुआ है। दैट वोकैबुलरी इज स्लीपिंग समवेयर इन आर सबकॉन्शियस माइंड। हम उसको यूज़ नहीं कर रहे ना, एंड वी आर एडिंग, हम उसमें और ऐड कर रहे हैं, एंड ऑल दिस इज क्रिएटिंग अ कन्फ्यूजन। ओके, सो सबसे पहले जो आपके पास है उसको यूटिलाइज करना सीखो। जितने शब्द आपको पता है ना, उनको डिफरेंट डिफरेंट वेज में यूज़ करना सीखिए। लेट्स से रूम, जब मैं पूछती हूँ बहुत सारे बच्चों को, लोगों को, रूम वर्ड पे मुझे एक सेंटेंस बना के दीजिए। क्या सेंटेंसेस मुझे मिलते हैं? आई लव माई रूम, आई लव टू सिट इन माई रूम, आई डू नॉट लाइक टू शेयर माई रूम, ऑल दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस। मतलब रूम वर्ड का क्या यूज़ है, या क्या समझते हो आप, चार दीवारों से घिरा हुआ एक कमरा। बट रूम का यूज़ इतना ही नहीं है। वी कैन से दैट देयर इज़ नो रूम फॉर नेगेटिविटी इन माई क्लास, देयर इज नो रूम फॉर इमोशंस इन बिजनेस, एंड इफ यू रियली थिंक, इफ यू रियली बिलीव इन योर सेल्फ, देयर इज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट वर्ड इज बुक, और सेंटेंसेस क्या बनेंगे? आई लव रीडिंग बुक्स, माई फेवरेट बुक इज विंग्स ऑफ फायर, एंड सो ऑन। पर क्या हम बुक शब्द को इस तरह से नहीं यूज कर सकते? आई नीड टू बुक अ कैब फॉर टू, आई वुड। क्यों नहीं हम इस तरह से सोचते हैं? ओके, एंड वी आर लर्निंग न्यू थिंग्स, वी आर एडिंग न्यू वोकैबुलरी, और उसको भी ऐड करके हम सुला दे रहे हैं अपनी पैसिव मेमोरी में। सो इस तरह से नहीं होगा। आपको जो नॉलेज आपके पास है पहले, लर्न टू यूटिलाइज, उसको यूटिलाइज करना सीखो, फिर धीरे धीरे उसमें नए वर्ड्स ऐड करो, एंड ट्रस्ट मी, इट विल डेफिनेटली वर्क। सो आई जस्ट होप ये टेक्निक आपको अच्छी लगी हो, और आपको सिर्फ क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ऐसी यूजफुल वीडियोज़ लाती रहूँ।